तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखो, ध्यान दो, पहले अपन देखेंगे कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, इसको फॉलो करना है ईमानदारी से, और हो सके तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना एक ही तरीका है पास होने का, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, ओनली वे टू सक्सेस इज रिपीटेशन, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी हंसी मजाक का टाइम नहीं है, काम काम की बात करनी है, बोर नहीं होना है किसी को, काम की बात करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि तुम्हें लगे यार बड़ा लंबा लेक्चर हो गया, चलो चलो छोड़ो। देखो सुनो छोटी सी बात, पहले इस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि भाई एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर हमें क्या पता है कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, क्या होता है प्रोटॉन, बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, यही किसने बताया, ये बताया रदरफोर्ड ने, किसने बताया, फिर इसका मॉडल फेल हो गया, लिमिटेशन क्या थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड या फिर किसी उनके अकॉर्डिंग जो मॉडल बना था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व करते करते एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जाके इसमें न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा या एटम का स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा, तो रदरफोर्ड फेल हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल, जिसने बताया कि बीच में होता है न्यूक्लियस। अगर आपसे कोई पूछे कि रदरफोर्ड ने क्या क्या बोला तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड कि एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर होता है प्रोटॉन, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन आसपास रिवॉल्व कर रहा होता है। ये किसने बताया, दो बातें तीन बातें रदरफोर्ड ने, और बोला बाकी बीच की जो जगह होती है वो खाली होती है, क्या होती है, तो तीन बातें रदरफोर्ड ने बताया। कौन कौन सी बातें बताया रदरफोर्ड ने बताओ, कि भाई प्रोटॉन के बारे में, भाई रदरफोर्ड ने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में, और किसके बारे में बताया, एम्प्टी स्पेस, क्या बताया, एम्प्टी स्पेस। और फिर बोला गया कि एटम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो बोला गया देखो एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिखो एटम, क्या लिखो, एटम, और जितने, सुनो, जितने भी उसके अंदर प्रोटॉन है, क्या है, प्रोटॉन, उसको नीचे लिखो प्रोटॉन, यहाँ पर क्या लिखो प्रोटॉन, और ऊपर लिखो मास नंबर, क्या लिखो मास नंबर। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कार्बन, कार्बन को लिखते हैं हम 612, क्या लिखते हैं 612, जहाँ पर ये क्या होता है कितने नंबर प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है या कितने एटॉमिक नंबर है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कितने प्रोटॉन है या क्या एटॉमिक नंबर है, उसको बोलते हैं हम क्या, इसको जेड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जेड, और इसको बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं ए। बात को समझना, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हमने बातें सीख ली, अब एटम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो एटम के नीचे लिखना है आपको प्रोटॉन, क्या लिखना है कि कितने प्रोटॉन है, कार्बन में कितने होते हैं, याद करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कार्बन छठे नंबर पे आता है ना। वैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन का 1 नंबर पे आता है ना, तो आप लिखोगे यहाँ पर नीचे, उसको एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं और प्रोटॉन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रोटॉन। तो हम एक बात समझ गए, बेसिक बात क्या समझ गए, बेसिक बात ये समझ गए, कोई भी एटम होगा जीवन में एक्स, क्या होगा एक्स, तो आप बहुत बेसिक बात करोगे, क्या बेसिक बात करोगे, नीचे लिखोगे जेड, क्या लिखोगे, और ऊपर लिखोगे मास नंबर, जो कि हम बोल रहे हैं ए, क्या बोल रहे हैं ए, और जेड का बेसिक मतलब क्या हो गया, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और एक्चुअली में अगर एटम न्यूट्रल है तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है, आपने सुना होगा जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हो जाएगा, क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है। और ये होता है एटॉमिक मास नंबर, क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास नंबर, तो इसको बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर। अब मेरी बात को समझना, बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं आपको, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बता क्या रहा हूँ, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन समझना, ए इज इक्वल टू पता क्या होता है, जेड प्लस एन। अब बोलोगे सर एन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। तो बोला गया देखो भाई ए कैसे निकलता है, तो आप प्रोटॉन को ऐड कर दो न्यूट्रॉन के साथ, तो ए निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा ए। और याद करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, क्या तरीका याद करने का, अजान, क्या है, अजान, ए जेड प्लस एन, ऐसे बोल सकते हैं ए जान, क्या बोल सकते हैं, तो जैसे मर्जी आप याद कर लो, क्वेश्चन यही आता है घुमा फिरा के कि न्यूट्रॉन निकालो, ये निकालो, वो निकालो। अब मैंने क्या बोला, ये कब वैलिड है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड को बोलेंगे कब, जब एटम न्यूट्रल हो, क्या हो, न्यूट्रल। अब ऐसी बात जैसे एग्जांपल के तौर पर समझो, एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला ऑक्सीजन, क्या बोला, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, क्या होता है, तो कितने प्रोटॉन होते हैं 8, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, और एटॉमिक मास नंबर कितना होगा, तो 16, आपने सीखा होगा, सीखा है ना। तो अगर आपसे बोले न्यूट्रॉन बताओ, क्या बताओ, तो आप लिखोगे ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, तो एन क्या हो गया, ए माइनस जेड, ए है 16, ये है 8, 16 माइनस 8 गए 8, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया 8। लेकिन ये कब, ये सब बातें हम कब कर पा रहे हैं, जब न्यूट्रल एटम है, क्या है, अगर मैं ऐसा लिखता ओ माइनस 2, क्या लिखता, तो प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते, प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर आप निकाल नहीं सकते हाथ डाल के या कुछ भी करके,
समझे मेरी बात को? आप न्यूक्लियस के अंदर नहीं निकाल सकते, फिलहाल इस बात को समझ लो। फिर हमने बोला कि प्रोटॉन तो चेंज नहीं होगा, अगर ऑक्सीजन है तो प्रोटॉन तो 8 ही रहेगा, कितना रहेगा? 8। ठीक है, और मास भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, मास भी 16 रहेगा। फिर ये माइनस 2 क्या बोल रहा है? माइनस का मतलब होता है केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का आना, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए होंगे? तो पहले 10 थे, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे बताओ? पहले 8 थे, लेकिन 2 माइनस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं? 10। क्या बात समझ में आ गया? अगर कोई लिखता है, मान लो मैं लिखता हूँ सोडियम, क्या लिखता हूँ? तो आपने लिखा, मान लो यहाँ पर 11 लिखा, यहाँ पर 23 लिख दिया, मैं एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ, ठीक है? 23 हो जाना कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला किसके प्रोटॉन बताओ, आप बोलोगे 11। इलेक्ट्रॉन 11, मास नंबर 23, न्यूट्रॉन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करते हैं न्यूट्रॉन मिल गया। अब मैं आपसे बोलूँ कि अगर मैंने इस पर लिख दिया +1, क्या लिख दिया? अब दोबारा काम करते हैं, प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन 11। प्रोटॉन चेंज नहीं होता, प्रोटॉन चेंज नहीं होता, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव वाला न्यूक्लियस के अंदर है, चेंज नहीं होता। प्रोटॉन सेम, एटॉमिक मास ऑलमोस्ट सेम, एटॉमिक मास नंबर क्या है? सेम। इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, 11 की जगह 10 हो गया, क्या इतनी बात समझ में आती है? तो ऐसे हम क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आगे हम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है? तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें, देखो हमारे पास क्वेश्चन समझना, बहुत बेसिक बात है। देखो क्वेश्चन कहता है, समझना, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और ये दे दिया, क्या दे दिया? ये BR दे दिया। उसने बोला कि भाई आपने मेरे को क्या साइन करके दिखाओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन 35, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 35, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या बोला? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे लिखोगे? A इज इक्वल टू जेड प्लस एन, ए माइनस जेड इज इक्वल टू एन, ए कितना है? 80, 80 माइनस 35, क्या बात समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर सकते हो। इस उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो बेटा, मैं बोल रहा हूँ ईमानदारी से, इतना ही पढ़ोगे, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है तुम्हें। जो बातें एक्स्ट्रा है, जो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं होमवर्क में दूंगा। वैसे बहुत छोटी छोटी बातें बोलूंगा डेफिनेशन याद करने के लिए। अब सुनो, अब बोल रहा है प्रॉब्लम 2.2 एनसीईआरटी का, कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर गिवन। कह रहा है मैंने आपको प्रोटॉन दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया, प्रोटॉन दिया और न्यूट्रॉन दिया। इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ? 18। प्रोटॉन है 16 और न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन है 16। देखो लिखा है ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे दिया। अब कह रहा है कि असाइन द प्रॉपर सिंबल, क्या निकालना है? हमें पता नहीं हो क्या है, हमने एक्स मान लिया, क्या मान लिया हमने? अब वो कह रहा है कि प्रोटॉन 16 है, तो प्रोटॉन यहाँ पर आता है और एटॉमिक मास ए ऊपर आता है। ए कैसे निकलता है? ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, जेड का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना हो गया? 16। न्यूट्रॉन भी कितना है? 16। तो ए कितना हो गया? 32। तो यहाँ 32 लिख दूँ, क्या बात समझ पा रहे हो आप? अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन तो दिखाना होता नहीं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रोटॉन है 16, इलेक्ट्रॉन है 18, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ पर आ जाएगा -2। तो आपको बताना चाहिए 16 किसके लिए होता है? सल्फर के लिए। तो ये एक्चुअली में क्या है? सल्फर है, 16, 32, -2। तो ये देखो आंसर हो गया हमारा। क्या ऐसे क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर सकते हो? अच्छा आपको मैं होमवर्क में टास्क दे रहा हूँ, जो आपको ईमानदारी से आज ही क्लियर कर लेना है। वो टास्क क्या है बेटा? कि भाई आपको आइसोबार सीख के आना है, आइसोबार किसे बोलते हैं? आपको आइसोटोप सीख के आना है, किसे बोलते हैं? आइसोटोन्स किसे बोलते हैं? आइसोटोन्स किसे बोलते हैं? और आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। याद करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में भी आता है। तो ये सारी डेफिनेशन को आप कैसे भी रट लोगे? वैसे बहुत सिंपल सिंपल बात है, मैं आपको भी बता नहीं रहा हूँ, हमारा 5 मिनट बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना? आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिनके ऐसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, जैसे मैं आपसे बोलूँ सोडियम प्लस, क्या बोलूँ? और एक बोलूँ Mg+2। तो देखो सोडियम का मतलब होता है 11, क्या होता है? +1 का मतलब एक निकल गया, 10। मैग्नीशियम का मतलब होता है 12, 2 निकल गया कितना? 10। तो इनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स, आइसोटोप्स एंड आइसोबार। ये आप करके आओगे घर से, ये आपका बड़ा छोटा सा डेफिनेशन है। जिसके अंदर एटॉमिक मास सेम हो उसको ये बोल देंगे, जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो उसको ये बोल देंगे, मैंने बता ही दिया, जिसमें प्रोटॉन सेम हो उसको ये बोल देंगे। पर मैं चाहता हूँ कि आप घर पे हल्की सी मेहनत करो, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? इसे नोट डाउन कर सकते हो आप। मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अब वो समय नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कराऊँ, ऑलरेडी मैं इन 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ बहुत बार। अगर आपको मैंने बोला इसको याद करके जाना है तो याद करके जाना है या समझ के जाना है। 10 मार्क का पेपर बनेगा इससे, तो गारंटेड है इनमें से एक क्वेश्चन दिखाई देगा आपको पेपर के अंदर। अगर ना दिखाई दे कोई बात नहीं, कोई गम नहीं, लेकिन किसी भी हाल में इसको याद करके जाना है। 2 तरीके हैं तुम्हारे पास, रट लो, ठीक है, या फिर अगर रटा नहीं जा रहा तो इंटरनेट से सर्च मारो, यूट्यूब पर सर्च मारो, गूगल पर सर्च मारो, कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन को कुछ भी कर लो, ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, बात खत्म, ठीक है? ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बस इसमें परसेंटेज वाला खेल है। पर मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे, मैं पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है? अगर नहीं कर पाओगे तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है? अब हम काम की बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ।
दोस्तों अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो अगला कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इस चैप्टर में ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज हुआ है। अब बात को समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको बोलेंगे? ऐसा वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी और एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और वो एक वेव हो। अब होता क्या, जैसे मैंने बोला ये कोई वेव है, तो अगर वेव इस तरफ जा रहा है, वेव इस तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लाइक दिस। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये वेव है और ये आपस में परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ गया? दिस इज वेरी फेमस, ठीक है ना, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और आगे की तरफ कौन जा रहा है? वेव जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खासियत क्या है बेटा? खासियत यह है कि इसका एक बहुत बड़ा रेंज है, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल द वेव्स, ऑल द वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो कौन कौन से? सनलाइट वाला वेव, यूवी रेज, रेडियो यूवी वेव, देखा ना, यूवी वाले, एक्सरे वाले, गामा रेज, जितने भी आपके पास विजिबल, रेड लाइट, ब्लू, ग्रीन, सारे वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। क्या है वो? क्या सूरज से हमारे यहाँ पर आती है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। क्या होती है वो? जो हमारे फ़ोन से निकलती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि देखो आपके फ़ोन में मैग्नेट्स लगे होते हैं, ठीक है ना, चार्ज ऑसिलेट कर रहा होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सारी बातें होती है जो 12th में सीखोगे। कुल मिला के क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको बोलेंगे? जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अच्छा, एक और छोटी सी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खासियत क्या है? इसको मीडियम नहीं चाहिए। मीडियम, मीडियम हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीडियम हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने यहाँ से सिग्नल भेजा, वो सैटेलाइट में चला गया, सैटेलाइट से सिग्नल यहाँ आ गया, क्या बीच में, इस बीच में जो जगह है वहाँ कोई मीडियम है, कोई हवा है, कोई कुछ भी नहीं है, अर्थ के बाहर कुछ भी नहीं है, फिर भी सिग्नल आता है ना, सिग्नल सूरज की रोशनी आती है ना। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा ऐसा होता है। अब थोड़ा सा हम ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फील कर लेते हैं। तो फील कैसे किया जाता है बेटा? ध्यान से, फील ऐसे किया जाता है कि आपका वेव है, ये आपका वेव है, और एक वेव की लेंथ को बोला जाता है वेवलेंथ। क्या बोला जाता है? वेवलेंथ। एक वेव जहाँ कंप्लीट होगा उसको बोलते हैं, यहाँ तक के टाइम को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और ध्यान रखना बेटा, हजार बार डेरिवेशन करवा चुका हूँ और लास्ट बार एक और बता रहा हूँ कि स्पीड, हमेशा पता क्या होता है? स्पीड ऑफ वेव होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू। अब सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम। अगर टाइम का उल्टा कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो स्पीड क्या हो गया बेटा? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। यहाँ से कुछ और बातों को हम समझ लेंगे तो हमारा फ्यूचर सेफ हो जाएगा। एक और छोटा सा चीज़ होता है जिसको बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं? वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब होता है वेवलेंथ का उल्टा, वेवलेंथ का उल्टा। वैसे एक होता है एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। मैं स्पेलिंग नहीं लिख रहा ठीक से, पर आप समझ गए, इसी को एंगल से मल्टीप्लाई कर दो तो 2π/λ हो जाएगा एंगुलर वेव नंबर। इसका सिंबल जनरली फिजिक्स में K होता है। क्या आप इस सब जानते हो? तो हमने सीख लिया स्पीड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, वेव कैसा दिखता है, ठीक है, और ये सब हमने सीख लिया। अब इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली लगा सकते हैं। कुछ और बातें अगर आपको बतानी होगी तो मैं फ्यूचर में बताऊंगा, अभी इतना ही काफ़ी है। अच्छा, अगर मैं कुछ और बातों की बात करूं तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, NCERT का बहुत फेमस क्वेश्चन है, कह रहा है विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे दिया उसने, तो मैंने एफ को लिख दिया, 1368 किलो हर्ज दिया है, तो अपने आप मन में मैंने चेंज कर लिया कि मुझे किलो को ऐसे यूनिट हर्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलो हर्ज लिखा है, के का मतलब किलो होता है, के का मतलब हज़ार होता है, जो आप यूट्यूब पर देखते हो 10K 1K देखते हो ना, जो 1K के पीछे मैं भी हूँ। क्या बात समझ पा रहे हो? अच्छा छोड़ो, आगे क्या लिखा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। अब देखो वेवलेंथ निकालने के लिए बोला है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो मेरे पास एक ही जा रहा है, एक ही जा रहा है, क्या है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फिर अब मैं सोचूंगा सर मेरे को फ्रीक्वेंसी पता है और मुझे वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ निकालने के लिए मुझे स्पीड पता होना चाहिए, तो आपको आंख बंद करके स्पीड इतना लिखना है अगर उसने बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब सनलाइट की तरह, किसकी तरह हो गया ये? सनलाइट। और सनलाइट की स्पीड इतनी होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी मेरे को स्पीड तो पहले से पता है, बचपन से पता है, स्पीड मुझे बचपन से पता था, और फ्रीक्वेंसी मुझे क्वेश्चन में दिया है, तो क्या मैं वेवलेंथ निकाल सकता हूँ? हाँ जी, अगर आप स्पीड को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दोगे तो आपके हाथ में वेवलेंथ मिलेगा। क्या मिलेगा? वेवलेंथ। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है, और आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन हमसे हो सकता है तो हम कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पल का 2.4, तो इस क्वेश्चन को समझना आप मेरे प्यार से। कहता है देखो भाई, द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, यहाँ 400 nm से 750 nm तक है, यानी कि 450 से
750 तक जो भी वेवलेंथ वाले होंगे वो विजिबल में आएंगे, या तो रेड या तो ब्लू या तो ग्रीन या तो वायलेट, ये सब समझ में आ गया। तो कह रहा है कि इनके एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी, मतलब वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो मैं सीधी सीधी बातें बोलूँगा, मुझे पता है कि स्पीड जो होता है ना वो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है, मुझे ये भी पता है कि स्पीड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। अब उसने बोला है कि एक बार वेवलेंथ 400 है इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर, तो बोलूँगा अगर मैं स्पीड को 400 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा। अगली बार अगर मैं स्पीड को कितने से डिवाइड कर दूँ बताओ, कितने से? 750 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? इस फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो आ गया आंसर, लेकिन कुछ गलती मत करना। स्पीड आपको पता नहीं है तो आँख बंद करके क्या लिखोगे? 3×10^8। तो 3×10^8। अब ये गलती मत करना, देखो 400 जो है ना, 400 वो 400 नैनोमीटर है, तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10^-9 किससे? -9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे। वैसे ये 750×10^-9 और स्पीड आपको पता ही है। इस प्रकार से बच्चों वाले क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। आ रहा बेटा? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है। कहता है कैलकुलेट वेव नंबर, क्या कहता है? कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ दिस मच। अच्छा, वेव नंबर बोला है, तो वेव नंबर तो भाई मैंने आपको सिखाया कि आप 1/ वेवलेंथ कर दो। अच्छा, वेवलेंथ तो दिया हुआ ये रहा, ठीक है। तो 5 कितना है? 5800। अच्छा सॉरी, मुझे उल्टा लिखना है ना, उल्टा उसका उल्टा करना है, तो उल्टा कर दो 1/5800। और देखो इसका मतलब मैंने फिजिक्स में पहले लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन में बताया था, एन का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हें याद होगा। नहीं पता, तुम भगवान के अवतार हो, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, 10^-10, तो आंसर हमारा हो चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, क्या कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, क्या बोलता है वो? फ्रीक्वेंसी। तो मैं बोलूँगा दोबारा, सर स्पीड जो होता है ना, स्पीड वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू, और मुझे स्पीड पता है सर, स्पीड नहीं, हाँ पता है, स्पीड पता है, क्या मुझे वेवलेंथ भी पता है? हाँ जी, वेवलेंथ पता है इतना, 5800 है ना, 10^-10, तो यहाँ से आ गया फ्रीक्वेंसी। जिस बच्चे को नहीं पता, ये होता है एंगस्ट्रम, ठीक है ना, 10^-10। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा अगला जो टॉपिक है वो प्लैंक की थ्योरी होती है। प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अलग नज़रिए से लाइट के बारे में, रेडिएशन के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप ध्यान दोगे, इधर ध्यान दो। तो प्लैंक, अब देखो जैसा मैं स्टोरी बता रहा हूँ वैसे याद रखोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू मच डीप और टू मच प्रिसाइज, तो हम ऊपर से बातें करेंगे कि हमारा पेपर निकल जाए बस, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो देखो, प्लैंक क्वांटम थ्योरी या फिर प्लैंक रेडिएशन थ्योरी पढ़ सकते हो। तो प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अलग नज़रिए से बताया। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे समझना है, मैं अपने हिसाब से इसे इमेजिन करके आपको सिखा रहा हूँ। कहता है कि भाई सन का लाइट ऐसे आ रहा है, सन का लाइट है, सन की रेडिएशन ऐसा आ रहा है, तो आप ऐसा मानो कि छोटे छोटे टुकड़ों में आ रहा है। किस में आ रहा है? टुकड़ों में। और एक टुकड़े की एनर्जी होगी एच न्यू, कितनी होगी? एच न्यू। और न्यू का मतलब क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी। क्या है? तो आप वहाँ पर बताना F4 फ्रीक्वेंसी होता है। F4 क्या होता है? लेकिन आपकी केमिस्ट्री के बुक में लिखा होता है न्यू, क्या लिखा होता है? यानी V को ऐसे टेढ़ा कर दो, न्यू बना दो। पर मैं आपको बोल रहा हूँ आप F लिखना और उसको बताना पेपर में कि सर मैंने F को फ्रीक्वेंसी माना है। क्या माना है? क्योंकि मुझे अच्छा F से ही फील हो रहा है। बात समझ में आ गया? अच्छा, उसने बोला कि सनलाइट का ये पूरा बंडल है, तो आप ऐसा मान के चलिए, ध्यान दो इधर, सनलाइट का एक पूरा बंडल है, तो ऐसा मान के चलिए कि सनलाइट ना छोटे छोटे पैकेट्स में आता है। कैसे आता है? छोटे छोटे पैकेट्स में आता है। इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोला HF, इसको बोला गया क्वांटम। क्या बोला गया? तो ये हर छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं, और इसको फोटोन भी बोला हमने। क्या बोला? फोटोन। क्या बोला? फोटोन। तो फोटोन क्या होता है? एनर्जी के पैकेट्स, एनर्जी के पार्टिकल्स। क्या बात समझ में आ गया? तो दूसरे वाले का एनर्जी भी इतना ही होगा HF, तीसरे का एनर्जी भी कितना होगा HF। अभी कितने पैकेट्स हैं, कितने फोटोन्स हैं, ये बताओ। 3 फोटोन्स हैं, तो आप चाहते ऐसे लिख सकते हो एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी जो हो जाएगा 3×HF, पूरे फोटोन का एनर्जी आ गया ना। या तो जोड़ दो HF+HF+HF, या तो एक बार में लिख दो एनर्जी इज इक्वल टू N×HF। अब तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक नया फॉर्मूला, ये हो गया N×HF, जहाँ N क्या है? नंबर ऑफ फोटोन। क्या है? नंबर ऑफ फोटोन। क्या बात समझ में आती है? तो मैंने यहाँ से क्या फॉर्मूला आपको सिखा दिया? मैंने ये सिखा दिया कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फिर एनर्जी का फॉर्मूला आपने सिखा दिया नंबर ऑफ फोटोन। क्या सिखा दिया आपने? नंबर ऑफ फोटोन इंटू में प्लैंक कांस्टेंट। H का मतलब मुझे लगता है आज तक सबको पता लग गया होगा, H का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट, और F4 क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। यानी इससे आप जो मर्जी कर सकते हो। अगर उसने बोला 1 मोल, क्या बोला? 1 मोल। मैंने बोला 1 मोल फोटोन। क्या बोला मैंने? तो आप क्या समझो कितने फोटोन की बात कर रहा है वो? 6.023×10^23 फोटोन। 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, पता ना आप लोगों को। तो
तो कभी कोई पूछे कि एक मोल फोटोन का एनर्जी बताओ, तो मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन की जगह पर क्या पुट करना है, ये पुट करना है। बात समझ पा रहे हो? अगर वो बोलता है एक फोटोन बताओ क्या, तो एन की जगह पर वन, लेकिन एक मोल का मतलब इतना सारा होता है। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से नंबर ऑफ फोटोन का भी हम निकाल सकते हैं। देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, तो क्या करोगे, एनर्जी को एच एफ से डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चन, लाखों हजारों करोड़ों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस कॉन्सेप्ट, बाय दिस फॉर्मूला। बात समझ पा रहे हो? अगर कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, पक्का। यहाँ से मैं एक और छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूँ, यानी एनर्जी हो गया एन इंटू एच एफ, एन इंटू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूँ, इसको भी टाइम से डिवाइड कर दूँ, किसी को दर्द नहीं होगा। अरे दोनों तरफ डिवाइड किया, दर्द होगा क्या? नहीं। तो बेटा ये हो गया आपका पावर, एनर्जी अपन टाइम क्या होता है, पावर। तो ये पावर हो गया, ठीक है। अगर पावर है तो ये हो गया नंबर ऑफ फोटोन, क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटोन, ये एच इंटू फ्रिक्वेंसी और ये टी। तो अगर क्वेश्चन ऐसा दे कि भाई किसी बल्ब का पावर इतना है, फाइंड नंबर ऑफ फोटोन, तो यहाँ पर पावर पुट करना, यहाँ टाइम पुट करना, यहाँ एच पुट करना, यहाँ एफ पुट करना, और एन निकल जाएगा, एन निकल जाएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जो मैं टिक लगवा दूंगा, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि लुक एट दिस एग्जाम्पल, अगर इस एग्जाम्पल को आप देखते हो तो बड़ा प्यारा सा, बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल है। कहता है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस मच। तो आप तुरंत जाओगे फॉर्मूले पे, प्लैंक को याद करोगे, प्लैंक ने बोला था एनर्जी इज इक्वल टू एन एच एफ, क्या बोला था। तो अगर आपसे बोला गया है एनर्जी निकालने के लिए वन मोल के लिए, वन का मतलब हो गया 6.023 × 10³। अब सर एच का मतलब क्या है सर, प्लैंक कांस्टेंट, जो कि होता है 6.6 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। 10⁻¹⁴ 6.626 होता है, ठीक है, 10⁻¹⁴। ये एच की वैल्यू पुट कर दी सर, फ्रीक्वेंसी रह गया सर, फ्रीक्वेंसी कितना ये रहा 5 × 10⁴। तो इस प्रकार से आपने क्या निकाल लिया, एनर्जी, क्या निकाल लिया, एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन आप इसलिए हैंडल कर सकते हो। अच्छा, आगे अगर मैं देखूँ, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, चलो उससे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन। चलो अच्छा एक सेकेंड रुको, ये हो गया पांचवा, हो गया छठा क्वेश्चन हो गया, ओके। यानी मैं आपको कुल मिला के ना पूरी एनसीईआरटी एक तरह से सॉल्व करवा रहा हूँ। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, 2.7 प्रॉब्लम, 2.7 प्रॉब्लम, 2.7 क्या कहता है प्यारे बच्चों, समझना। कहता है, ध्यान दो इधर, कहता है अ 100 वाट बल्ब, वाट किसका होता है हमेशा, पावर का। जिस बच्चे को ये नहीं पता बेटा, उसके लिए स्पेशल नर्क, ठीक है, वो दूरी, मतलब यार वाट का मतलब तो बचपन से जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक 100 वाट का बल्ब है, एमिट्स मोनोक्रोमेटिक, जो तेल लगाए, मुझे उससे मतलब ही नहीं है, वो मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। तो मोनो मतलब सिंगल ना, तो देखो लिखा है मोनो वेवलेंथ, क्या लिखा है, मोनो वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, यानी वेवलेंथ दे रहा है 400 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10⁻¹। अब कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, पर का मतलब होता है एक, जिसको ये नहीं पता उसके लिए स्पेशल स्वर्ग, ठीक है ना। अच्छा तो उसने टाइम दिया आपको, क्या दिया बेटा, उसने आपको टाइम दिया, उसने आपको वेवलेंथ दिया, क्या दिया, वेवलेंथ दिया, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ फोटोन, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फोटोन, यानी एन निकालना है पावर वाले फॉर्मूले से। तो पावर क्या था बेटा, पावर था नंबर ऑफ फोटोन एच इंटू फ्रिक्वेंसी, और नीचे क्या था, टाइम। तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन इजिली निकल जाएगा, पावर है 100, पावर 100 है, एन को निकालना है, एच की वैल्यू पुट कर देंगे 6.626 10⁻¹⁴, टाइम कितना है, टाइम है 1, ठीक है, 1 सेकेंड है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, फ्रीक्वेंसी हमें, लेकिन उसने वेवलेंथ दिया, क्या दिया है, अरे वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना हमने सीख तो लिया, अरे आपने अभी तो सीखा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, और आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। तो क्या करो, स्पीड को लैम्डा से डिवाइड कर दो, तो स्पीड कितना था 10⁸, और लैम्डा कितना ये रहा 400, तो 400 × 10⁻¹⁹, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। मतलब मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं था, पर मैंने प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल किया कि हाउ टू कन्वर्ट वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा, आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में ना अभी कुछ डेफिनेशन है जो आपको याद करके जाने हैं, एग्जाम में आ सकता है, मैं बहुत बता दे रहा हूँ। पहला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डेफिनेशन आपको याद करके जाना है कि ब्लैक बॉडी किसे बोलते हैं, मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, ऐसा बॉडी जो हर प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, या जब उसको हम हीट करें तो हर प्रकार की रेडिएशन बाहर निकाले। पहले उसने एब्जॉर्ब किया, अब हीट करने पे बाहर निकालेगा, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी, क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। अब इसी में हमें पढ़ना, पता है क्या है, हमें पढ़ना है एक टॉपिक
जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला टॉपिक हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या ऐसा काम किया, तो इसने शो किया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्या शो किया इसने, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मतलब इसने बताया कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, लाइट एक बॉल की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा मान लो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कि लाइट ऐसे जुड़ा हुआ है, एक पार्टिकल उसके पीछे दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, लाइट ऐसा नहीं है कंटिन्यू बिल्कुल, ठीक है ना, लाइट पार्टिकल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, अभी हमने पीछे पढ़ा उसको बोलते हैं फोटोन, क्या बोलते हैं, पढ़ा ना आप लोगों ने पीछे, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट किसने बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, तो सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होता है कि यहाँ पर कोई मेटल होता है, क्या होता है मेटल, इस मेटल के ऊपर आप डालते हो लाइट, क्या डालते हो लाइट, लाइट की एनर्जी क्या होती है, एचएफ, क्या होती है, मान लो आपने 100 जूल डाला, क्या डाला 100 जूल डाला, तो इसका इसका कुछ हिस्सा यहाँ खर्च हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में, मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, ठीक है, और कुछ हिस्सा लेके वो बाहर निकलेगा। मैंने कहा मान लो खर्च हो गया यहाँ पर 30 जूल, कितना खर्च हो गया, तो कितना लेके निकलेगा ये 70 जूल लेके उड़ेगा, क्या होगा ये उड़ेगा, उड़ेगा, तो इसी को हम डेफिनेशन में बना देंगे, तो ये कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहलाएगा, कि वेन एवर अ लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रिक्वेंसी, मतलब सुइटेबल एनर्जी, सुइटेबल सुइटेबल एनर्जी क्यों बोल रहा हूँ, मान लो तुमने 20 जूल की एनर्जी डाली होती तो क्या निकल पाता, नहीं, 30 तो यहीं तक चाहिए तो निकल नहीं पाता, तो हम क्या बोलेंगे, वेन एवर अ लाइट ऑफ सुइटेबल एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस देयर इज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बात समझ में आ गया, अच्छा तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, कि भाई आपने एनर्जी दिया एचएफ, क्या एनर्जी दिया, आपने एनर्जी दिया एचएफ, उसका कुछ हिस्सा यहाँ यूज हो गया वर्क में, किसमें यूज हो गया, बाहर निकलने के लिए वर्क में, और कुछ कहाँ चला गया, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, तो इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पर हमें टर्म्स को सीखना है। अच्छा मैंने बोला अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो कम से कम हमें 31 देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, या कम से कम बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही वो हो जाऊँ तो कम से कम 30 तो दो, ताकि वो सरफेस तक तो निकले कम से कम। अगर मैंने यहाँ पर दिया 28, कितना दिया 28, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि 30 चाहिए यहाँ तक आने के लिए, 30 चाहिए यहाँ तक, तो हमने बोला ये 30 क्या था, ये 30 था आपका वर्क, क्या था ये, देखो ना आपने क्या लिखा है, 100 इक्वल टू 30 प्लस 70, ये तो लिखा आपने 100 इज इक्वल टू 30 प्लस 70 यहाँ गया, 30 यहाँ गया वर्क में, किसमें गया वर्क में, तो एक्चुअली में ये 30 है क्या, ये 30 है मिनिमम एनर्जी, कम से कम इतना एनर्जी देना ही पड़ेगा, 30 से ऊपर दो, 31 दो, 32 दो, 35 दो, 30 से नीचे मत दो, तो इसको बोला गया वर्क फंक्शन, क्या बोला गया वर्क फंक्शन। और आपसे कोई बोले सर वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू अकरेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस, ये मेटल था, क्या था ये मेटल, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, जिसका वर्क फंक्शन उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। मैंने कहा किसी का वर्क फंक्शन है सिर्फ 5, कितना है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, किसी का वर्क फंक्शन है 1 लाख, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेगा, तो इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, और ये है हमारा जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ है, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, और ये क्या होता है मिनिमम एनर्जी, क्या होता है ये मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो दोबारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटोन का किसी मेटल सरफेस पे पड़ना, व्हेन अ लाइट ऑफ सुइटेबल एनर्जी, सुइटेबल या सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट, इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम इतना तो लेके आओ टू अकरेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बात समझ में आ गया, अब कुछ बातें करते हैं इस इक्वेशन के बाद, क्या क्या बातें करते हैं, देखो जो वहाँ पर वर्क फंक्शन था उसको मैंने डब्ल्यू नॉट, क्या बोला, कई बार इसको फाई नॉट भी बोल सकते, क्या बोल सकते हैं फाई नॉट। तो अब डब्ल्यू नॉट का फॉर्मूला क्या है, अब देखो ये भी तो एनर्जी है ना, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच टाइम फ्रीक्वेंसी, एच टाइम, तो इसको बोल दिया हमने एफ नॉट, क्या बोल दिया, अब समझना अगर ये एनर्जी मिनिमम है, एनर्जी क्या है ये मिनिमम, क्या है एनर्जी मिनिमम था ना, ये कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए ना, तो ये भी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी मिनिमम, क्या होगी मिनिमम, तो इसको बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू अकरेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं थ्री सॉल्ट, क्या बोलते हैं थ्री सॉल्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो दोबारा, ये है मिनिमम एनर्जी, क्या ये फॉर अकरेंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी छुपी होगी उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बात समझ में आ गया? अच्छा, क्या हम एक और काम कर सकते हैं? चलो वो काम कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एच, क्या लिखूँ एच, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड अपॉन वेवलेंथ। पीछे पढ़ा ना हमने स्पीड अपॉन वेवलेंथ, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो ये कौन सा वेवलेंथ होगा, ये होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या होगा ये, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बात समझ में आ गया? तो मैंने बोला ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक तरह से क्या क्या लगा, ये मिनिमम को बोलते हैं थ्रेशोल्ड, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। और इस फ्रीक्वेंसी को जब मैं वेवलेंथ में कन्वर्ट करूंगा तो ये कहलाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा मुझे ये बताओ, छोटी सी बात, बड़ा लॉजिकल है, देख क्या फ्रीक्वेंसी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? अगर फ्रीक्वेंसी इसका मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसको एक और नाम हो गया इसका, मैक्सिमम वेवलेंथ। क्या हो गया ये, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ। यानी क्वेश्चन में कभी भी बोलता है कोई, क्वेश्चन दिख रहा था ये, क्वेश्चन में कभी कोई बोलता है कि मेरे को तुम फाइंड करके दिखाओ, मेरे को तुम फाइंड करके दिखाओ मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम, तो तू क्या फाइंड करेगा, डब्ल्यू नॉट। क्या फाइंड करेगा, डब्ल्यू नॉट को इसके बराबर लिखेगा। देख डब्ल्यू नॉट के दो फॉर्मूले हो गए, एक हो गया डब्ल्यू नॉट का फॉर्मूला एच एफ नॉट, और दूसरा क्या हो गया, जब इसको कन्वर्ट कर दिया था हमने, स्पीड अपॉन लैम्डा नॉट। अगर वो बोलता है फाइंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, अगर बोलता है फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समाप्त होता है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू अकरेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू अकरेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली है ये, तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम था तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप नोट कर लो इसको दोस्तों। कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखने के बाद, हर टर्म को अच्छे से लिखने के बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, चुप हो जाइए बेटा। क्वेश्चन कहता है पूरी एनसीईआरटी करवा देंगे, देखो ध्यान दो, मैं चाहूंगा कि आप बात ना करें। सुनो सुनो, लिखो इस क्वेश्चन को, पढ़ो। लिखा है, लिखा है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी सनलाइट, क्या हो गया एक तरह से ये सनलाइट मान लो, ठीक है ना, और वेवलेंथ 300, लिखते जाओ वेवलेंथ 300 न्यूटन के, 300 नैनोमीटर, फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस। क्वेश्चन ऐसा है कि मेटल सरफेस पे एक वेवलेंथ पड़ा, क्या पड़ा, आपको वेवलेंथ नहीं पता, देखो वेवलेंथ उसने दिया 300 नैनोमीटर, आपको क्या पता, आपको तो वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी ना, आप तुरंत चाहो तो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लो, तो वेवलेंथ हमें तो फ्रीक्वेंसी पता, चलो छोड़ बाद में कर लेंगे, छोड़ो। कह रहा है, लिखा है सोडियम के ऊपर पड़ता है, सोडियम मेटल के ऊपर पड़ता है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ इतनी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल गया कितनी एनर्जी के साथ बताओ, 1.68, ठीक है, देखो देखो 1.68 × 10⁵ जूल से इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड, यानी वर्क फंक्शन, आपको डब्ल्यू नॉट निकालना है। देखो ये है काइनेटिक एनर्जी, क्या ये, उसने बोला इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विद दिस मच एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकला इतना एनर्जी लेके, और बोल रहा है वर्क फंक्शन बताओ, क्या बताओ, तो वर्क फंक्शन हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो आप बोलोगे सर एच इंटू फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक दिया है 1.68 × 10⁵। अब मुझे ये निकालना है, ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, एच एफ में से माइनस कर दोगे इसके, 1.68 × 10⁵ इजिकल टू वर्क फंक्शन, बात समझ पा रहे हो। अच्छा अब एच एफ कहाँ से लाए, तो सर एच तो मुझे पता ही है, सर सर एच का वैल्यू तो मुझे पता ही है 6.26 × 10⁻¾, सर फ्रीक्वेंसी नहीं पता सर, अरे गधे वेवलेंथ पता है, तो वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, स्पीड बाई वेवलेंथ, स्पीड बाई वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड तुझे पता है 3 × 10⁸, और वेवलेंथ इतना है 310⁻¹, और माइनस में देखो ये तो हो गया एच इंटू एच, एच इंटू एफ, अब ये रहा आपका माइनस का 1.68 × 10⁵, यहां से निकल गया वर्क फंक्शन, क्या निकल गया, अब तेरे से वर्क फंक्शन निकल गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, है मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब वर्क फंक्शन का वो वाला फॉर्मूला, अरे वर्क फंक्शन का ये वाला फॉर्मूला, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी स्पीड, एच इंटू स्पीड, देख ध्यान दे, एच इंटू स्पीड इंटू में लैम्डा नॉट जो कि था मैक्सिमम वेवलेंथ। क्या तूने वर्क फंक्शन यहां से निकाल लिया है, अरे वर्क फंक्शन निकाल लिया, उसको एच से डिवाइड कर दे, स्पीड से डिवाइड कर दे,
तुझे आंसर मिल जाएगा 1/λ. क्या मिल जाएगा? फिर आंसर को पलट दे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले. लैम्डा नॉट क्या हो गया? लैम्डा नॉट इज इक्वल टू h स्पीड, h इनटू स्पीड बाय वर्क नॉट. समझ में आया? जैसे मर्जी कर ले, मैंने बता दिया बेटा. क्या इजीली हो जाएगा तेरे से? अरे बड़ा आसान था. देख, बोला व्हाट इज मिनिमम एनर्जी, वर्क फंक्शन. फिर व्हाट इज मैक्सिमम वेवलेंथ, तो वर्क फंक्शन वाला फॉर्मूला. वर्क फंक्शन तो निकाल लिया था ना, तो मुझे पता है तुम 11th के बच्चे इतना समझ गए होंगे. समझ गया? समझ गए? चलो आगे बढ़ते. अगला क्वेश्चन क्या है सुन. अच्छा, अगला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है? तो हम बोर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं. चलो स्टार्ट कर ही देता हूँ मैं, क्या ही पॉज करूँ. ठीक है, सुनो सुनो मेरे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल. क्या पढ़ेंगे? बोर्स मॉडल. ठीक है, बोर्स मॉडल या बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, ठीक है. ये किसके किसके लिए वैलिड था? एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए. वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड होता है. वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. बेटा बात मत करो, दोबारा बात मत करो, समझा रहा हूँ. अच्छा, बोर्स का जो मॉडल था हाइड्रोजन एटम, वो क्यों आया? क्योंकि हमारा रदरफोर्ड फेल हो गया. ठीक है ना, रदरफोर्ड जब फेल हो गया तो बोर्स ने मॉडल दिया. पर बोर्स ने बोला मेरा जो ये एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए. किसके लिए? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. यानी हाइड्रोजन के लिए होगा, एक इलेक्ट्रॉन होता है. हीलियम प्लस के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन होता है. और लिथियम प्लस टू के लिए भी कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन. इसका जेड कितना है? इसका जेड है 1. इसका जेड कितना है? 2. इसका जेड कितना है? 3. यानी कि जिसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन हो, ये प्लस वाले ना, सारे प्लस वाले, तो हाइड्रोजन के अंदर एक होगा, हीलियम प्लस के अंदर एक होगा, लिथियम प्लस टू के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इनके लिए वैलिड था. तो बोर्स ने क्या क्या बोला? बोर्स ने बोला भाई देखो, मैं बोल रहा हूँ, आप उसको लिख लेंगे, ठीक है. बोर्स ने बोला ठीक है भाई, न्यूक्लियस होता है, मैं मानता हूँ ये बात को. ठीक है, समझना. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, पर इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी नहीं फेंकेगा. एनर्जी रदरफोर्ड ने क्या बोला था? वो एनर्जी फेंकता है तो इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा न्यूक्लियस में, सब खेल खत्म हो जाएगा. पर इसने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन जो है, पहला पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी. इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. पहला पोस्टुलेट समझ में आ गया. दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली ऑन दोस ऑर्बिट्स फॉर विच MVR इज इक्वल टू NH/2π. NH/2π, इसी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन. क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम. जिन बच्चों को नहीं पता ये क्या होता है, एक बार सुन लो, समझो. उसने बोला यहाँ पर n क्या है? n है 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये देखो, ये एंगुलर मोमेंटम है. क्या ये देखो, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम. उसमें हमने किसी r से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा? एंगुलर. क्या बन जाएगा? तो एंगुलर मोमेंटम अगर ऐसा हुआ NH/2π, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा. जैसे n=1 तो पहले में घूमेगा, n=2 दूसरे में घूमेगा, n=3 तीसरे ऑर्बिट में घूमेगा, n=4 चौथे ऑर्बिट में घूमेगा. क्या बात समझ पा रहे हो? तो पहला था, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. दूसरा, इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम NH/2π हो. इसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. क्या बात समझ पा रहे हो? अच्छा, छोटी छोटी बातें हैं, तो आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π. एंगुलर मोमेंटम, ये पूरा क्या है? एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. क्या बात समझ में आ गया? अच्छा, कुछ और बातें करते हैं. सेकंड पोस्टुलेट समझ में आ गया, या फिर कोई भी बोल दो, फर्स्ट सेकंड कुछ भी नहीं होता. तो दो बातें, एनर्जी रेडिएट नहीं होगा, दूसरा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसमें घूमेंगे, वन वाले में या तो टू वाले में या तो थ्री वाले में. एन की वैल्यू चेंज कर दोगे ना, और ये क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम. अच्छा, तीसरा पोस्टुलेट क्या था? अगर इलेक्ट्रॉन, देखो ऐसे ऑर्बिट्स होंगे, बहुत सारे होंगे ना ऑर्बिट्स, अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है, कहाँ जाना है? ऊपर. ऊपर का मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट. क्या होता है? अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो एनर्जी लेना पड़ेगा. एनर्जी अगर इसने एनर्जी लिया इलेक्ट्रॉन ने, तो ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में. किसमें जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में या अपर एनर्जी लेवल. और इसी में फर्स्ट बात ये, दूसरी बात ये, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ा अपनी बॉडी से, इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ा, तो आ जाएगा लोअर स्टेट में. देखो, लेके गया ऊपर और छोड़ेगा तो क्या आएगा? नीचे. तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ता है तो नीचे वाले स्टेट में उसको आना पड़ेगा. ये सारे पोस्टुलेट से
अब हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इस प्रकार से ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा। क्या पोस्टुलेट्स आप समझ गए, पूरा बोर्ड मॉडल समझ गए? तीन बातों पे डील कर रहा है ये। पहला, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए nh बाई 2π। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसका मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम यानी mvr nh बाई 2π होता है। क्या होता है? nh बाई 2π। और थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन को अगर आगे जाना है तो एनर्जी लेगा और पीछे आना है तो एनर्जी छोड़ेगा। क्या बात समझ में आ गया? तो ये बोर्ड्स का पूरा पोस्टुलेट आप इजीली लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा अब हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई दिस थ्योरी इन न्यूमेरिकल्स। तो बहुत एक छोटा सा डायग्राम याद करवा रहा हूँ, याद कर लो और कुछ नाम को याद कर लो। सुनो, ये डायग्राम है किसी भी एटम का, जिसमें इसको बोलते हैं हम एन। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ऐसे चलते रहते हैं इन्फाइनाइट तक। कहाँ तक चलता है? बहुत सारे हमारे पास ऑर्बिट्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अच्छा, आप मेरी बात को समझना, जो मैंने अभी पोस्टुलेट्स बताए हैं डेट इज़ नॉट डैट मच, मतलब वो नहीं है कि बिल्कुल बुक वाली लैंग्वेज है, करेक्ट है पर मेरी लैंग्वेज में। अगर तुमने आज तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये लिख के आओगे, और पहले जो पढ़ा है उसे लिख के आओगे तो और अच्छी बात है, ठीक है? अब मेरी बात को समझना बेटा, ये 1, 2, 3, 4, ये 5 चलता रहेगा ऐसे। इसका अलग अलग देखो, पहले वाले का नाम क्या होता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट एनर्जी लेवल, ठीक है? और इसी को बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। इसको बोलते हैं हम सेकंड एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं? सेकंड एनर्जी लेवल, सेकंड वाले को। या इसका एक और नाम होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या नाम होता है? अगर आपसे कोई बोलता है फर्स्ट एक्साइटेड, क्या बोलता है? तो आपको दो को चुनना है। क्यों? फर्स्ट एक्साइटेड यानी अगला वाला, यह है ग्राउंड लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल। यह है, अगर आपसे कोई बोलता है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो आप फिफ्थ लोगों क्या नहीं, 6 लेना है। एक्साइट हो गया ना, फिफ्थ एक्साइटेड यानी कि फिफ्थ के आगे वाला, ठीक है ना? तो सेकंड को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, अब यहाँ पर हम छोटी छोटी कहानी को सीख लेते हैं। बेटा देखो, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि जब कोई बंदा यहाँ से आगे जाएगा तो एनर्जी लेगा, एनर्जी, या फिर कहीं से कहीं को आएगा तो एनर्जी देगा, एनर्जी। कितना एनर्जी लेगा, कितना एनर्जी देगा, उसके लिए आपको क्या तरीका अपनाना है, आपको इनके एनर्जी को माइनस करना है। इनके बीच का एनर्जी होगा ना, तो यहाँ की एनर्जी को यहाँ की एनर्जी से माइनस करो, आंसर मिल जाएगा। यहाँ की एनर्जी को यहाँ की एनर्जी से माइनस कर दो आपस में, तो क्या मिल जाएगा आंसर, कितना लिया है कितना दिया है। तो मैं बोलता हूँ, मान लो यहाँ की एनर्जी है E1, क्या है E1. यहाँ की एनर्जी होगी मान लो E2, तो कितना एनर्जी लिया होगा, तो E2 माइनस E1, या फिर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, समझ में आ गया? तो इससे क्या मिल जाएगा, एनर्जी। क्या मिल जाएगा? एनर्जी, कितना लिया है कितना दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, चेंज इन एनर्जी। क्या मिल रहा है? चेंज इन एनर्जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको चेंज इन एनर्जी मिल जाएगा तो आप क्या क्या निकाल सकते हो? अगर आपसे बोलता है बताओ, जब उसने एनर्जी लिया होगा, जो भी एनर्जी लिया होगा ऊपर जाने के लिए, उसकी वेवलेंथ क्या, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, तो आपको एनर्जी मिल गया। क्या मिल गया? एनर्जी। अब जो एनर्जी है उसको अगर आपने लिख दिया HF, तो आपको मिल जाएगा फ्रिक्वेंसी। क्या मिल जाएगा? और इसी एनर्जी को अगर ऐसा लिख दोगे, H into स्पीड बाई लैम्डा, स्पीड बाई लैम्डा, पता ना F को लिखते हैं स्पीड बाई लैम्डा, तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है उसने, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, तो पहले आप एनर्जी निकाल लो डिफरेंस से। किससे निकाल लो? उसको HF के बराबर रखो, फ्रिक्वेंसी मिल जाएगा। इसको इसके बराबर रखोगे, क्या मिलेगा? वेवलेंथ। तो क्या ऐसे क्वेश्चन आप संभाल लोगे? ऐसे क्वेश्चन संभाल लोगे? अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n=5 to n=2। तो मैं पहले क्या करूँगा, सोचो, पहले मैं लिखूँगा 5 का एनर्जी, माइनस कर दूंगा उसको कितनी एनर्जी से, 2 के एनर्जी से माइनस कर दूंगा, तो वहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी का, और जो भी मुझे एनर्जी का डिफरेंस मिलेगा उसको मैं लिख दूंगा HF। क्या लिखूंगा? तो मुझे क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी। और सेम एनर्जी को अगर मैं ऐसे लिख दूँ H, और यहाँ पर स्पीड, क्या स्पीड, जो मुझे पता होता है कितना होता है, 3 × 10⁸ बाई वेवलेंथ, तो यहाँ से निकल जाएगा वेवलेंथ। यानी कि मुझे एनर्जी डिफरेंस फाइंड करना होगा, वहीं से मिलेगा फ्रीक्वेंसी, वहीं से मिलेगा वेवलेंथ। क्या बात समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक दो और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखो क्या कॉन्सेप्ट देखना है बेटा, किसी भी n के अंदर, किसी भी n के अंदर एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, -13.6 n², ठीक है, यहाँ पर z², यहाँ पर 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। अब तुम बोलोगे सर ये हमसे याद नहीं होगा, करना तो पड़ेगा।
करना तो पड़ेगा। इसको प्यार से इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोलते हैं, तो इसका भी ऐसे भी लिख सकते हो आप, -13.6 ठीक है, एन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई वी। बात समझ में आ गया, यानी कि किसी भी एन के अंदर एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ एन इक्वल टू टू, क्या बोलता हूँ, तो यहाँ टू पुट करो, दूसरे में एनर्जी निकल गया। एन इक्वल टू थ्री, तो तीसरे में एनर्जी निकल जाएगा। इसको हम लगाते हैं यहाँ पर, चलो यहाँ लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, समझना ठीक है, क्वेश्चन को डायग्राम से समझना, डायग्राम से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है और वेवलेंथ भी निकालना है। क्या निकालना है, जब फोटोन कहाँ से कहाँ जाए, एन इक्वल टू फाइव से एन इक्वल टू टू पे। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये पाँच है हमारा, पाँच से आ रहा है दो पर, आ रहा है दो पर, तो फटाफट आप क्या करो, एनर्जी इस वाले में से इसको माइनस कर दो, इस वाले में से इसको, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है, ध्यान रखना, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है। तो अगर मैं माइनस करता हूँ, देखो पहले यहाँ की एनर्जी निकालो, यहाँ की कितनी हो जाएगी, 13.6 बाई एन स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर, और हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गया, आ गया एनर्जी। अब यहाँ 2 पे, 2 पर कितना एनर्जी होगा, 2 पर बताओ, इज इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर, एन कितना था 2, 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एनर्जी ऑफ 2, ये निकल गया एनर्जी ऑफ 5। आप क्या करोगे, बीच का एनर्जी निकालना है, बीच का एनर्जी निकालना है, तो आप एनर्जी का डिफरेंस निकालोगे E5 - E2, निकालो एनर्जी। तो देखो E5 कितना है, -13.6 / 25, और ये हो गया -13.6 / 4, तो ये प्लस हो जाएगा, तो -13.6 / 25 प्लस का 13.6 / 4, यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो क्या निकल जाएगा, एनर्जी का डिफरेंस। पर जो भी एनर्जी का डिफरेंस निकलेगा वो ऐसा यूनिट में नहीं निकलेगा, ऐसा यूनिट में, क्योंकि आपने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, शॉर्टकट वाला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, कौन सा यूज़ किया मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप क्या करो, इस जो भी एनर्जी निकला है, मान लो मैंने सॉल्व किया, एनर्जी निकल गया मेरे के पास 8 निकला, कितना निकल गया, तो 8 ईवी निकला है, क्या निकला है, तो इसको ईवी को कन्वर्ट कर दो दोबारा उसमें, जूल में, किसमें, और ईवी की वैल्यू कितनी थी, 1.6 × 10⁻¹⁹, तो आंसर आ गया आपका जूल में, किसमें आ गया। अब जो भी एनर्जी डिफरेंस आया है उससे आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो और वेवलेंथ भी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी एनर्जी डिफरेंस आया है उसको H × F कर दो, H × और अगर आपको वेवलेंथ निकालना है तो जो भी एनर्जी डिफरेंस आया उसको SC/λ, C मतलब स्पीड, H × λ, तो एनर्जी तो आपको पता है, ये तो निकाल लिया ना आपने, ये पता है, H पता है, फ्रीक्वेंसी निकल गया, ये एनर्जी डिफरेंस पता है, H पता है, स्पीड पता है, वेवलेंथ निकल गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे हम इजीली, फटाफट इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। क्या लिखा है, अच्छा हीलियम प्लस के लिए सर ने लिखवाया था इलेक्ट्रॉन एक होता है और जेड कितना होता है 2, स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया था सर, मतलब मैं ही ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, रेडियस पूछा, क्या पूछा, पहले एनर्जी सीखते हैं फिर रेडियस सिखाऊंगा मैं आपको ठीक है। अब एनर्जी का फॉर्मूला समझो, एनर्जी आपने अभी सीखा, एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में निकाल सकते हो, -13.6 / n² / z² और ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में कैसा होगा, 1.6 - 10⁻¹⁹ जूल। तो ये तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, आप लिखोगे -13.6, n का मतलब कितना बोला है इसने, 2 बोला है ना, फर्स्ट ऑर्बिट बोला है, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब कितना हो गया, n इक्वल टू 1, और जेड कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा 2, क्यों, अरे 2 क्यों होगा बेटा, हीलियम है ना, जेड हीलियम के लिए 2 होता है, तो ये आंसर आ गया, यहाँ पर लिख देना 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। तो अब अगला क्वेश्चन है रेडियस क्या है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद करवाऊँ। देखो रेडियस ना ऐसा आया, जब हमने रेडियस का फॉर्मूला ड्राइव किया, आपको करना नहीं है 11th पे, तो ये आता है आपका 52.9 ठीक है ना, यहाँ n² / z, और ये आता है पीको मीटर में, किसमें आता है, पीको मतलब 10⁻¹⁹ कितना 12, क्या बात समझ में आ गया। तो अगर क्वेश्चन पी का मतलब होता है 10⁻¹⁹, यानी ऐसा बनाऊं तो ऐसा बन गया, ये -52.9 n² / z, और ये हो गया आपका 10⁻¹² मीटर। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान दो, उसने बोला था व्हाट इज एनर्जी एंड रेडियस इन फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा बताओ, n इक्वल टू कितना 1, तो ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, और जेड कितना पुट करना पड़ेगा, जेड इक्वल टू 2, क्योंकि वो हीलियम है, क्या वो हीलियम, क्या बात समझ में आ गया। तो रेडियस भी निकल गया, तो इस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू करते हैं, रिव्यू करें तो एनर्जी निकालना था निकाल लिया, एंड रेडियस पूछा, रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट आ गया, तो रेडियस मतलब ऑर्बिट का रेडियस क्या है,
उसमें एनर्जी कितनी है निकाल लिया हमने, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, इसे नोट कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत ईजिली इन सब चीज़ों को सीख लिया होगा, है ना, कि भाई एनर्जी कैसे निकालते हैं, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और रेडियस 52.9 ऊपर एन स्क्वायर नीचे जेड स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं भूलना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हमने बेटा काफ़ी कुछ सीख लिया, अब कुछ और बातें आप सीख लो, इस चैप्टर के एंडिंग पे पहुंच जाओगे, बस क्वांटम वाला पार्ट रह जाएगा, ठीक है। देखो कुछ बातों को सीखो, अरे इनको याद कर लो, बोल रहा हूँ मैं, सुनो कि भाई देखो ऐसे है ना, कुछ सिस्टम बनाए गए, क्या सिस्टम बनाए गए कि भाई देखो मुझे पता लग गया कि भाई देखो ये वाला फर्स्ट है, क्या है पहला एनर्जी लेवल, तो ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, छठा होगा, ऐसे चलता रहेगा। तो इधर कुछ भी हो सकता है, इधर कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या नोट कर लिया, हमने एक सीरीज बनाई, क्या बनाई, हमने देखा जब दूसरा वाला पहले पर आ रहा है तो क्या होगा, जब तीसरा पहले पर आएगा तो क्या होगा, जब चौथा पहले पर आएगा तो क्या होगा और पाँचवा पहले पर आएगा तो क्या होगा। तो इनकी एक सीरीज बनी जिनको बोलते हैं हम लाइमन सीरीज, क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में क्या होता है बेटा, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन पहले पर आता है, कहां पर आता है, पहले पर आता है, ध्यान दो, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन पहले पर आए तो जो भी रेडिएशन आएगा, जो भी रेडिएशन, अरे एनर्जी आएगी ना कोई ना कोई, अरे एनर्जी रिलीज होगी ना कोई ना कोई, अरे जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है रिलीज करता क्या रहता है। तो सभी एनर्जी को हमने देखा, जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है एनर्जी छोड़ता हुआ आ रहा है, तो इस वाले एनर्जी को देखा, इस एनर्जी को देखा, इस एनर्जी को देखा, यहाँ से आते हुए एनर्जी को देखा, सभी एनर्जी की एक सीरीज बनाई, क्या बनाई, उसको बोला हमने लाइमन सीरीज, क्या बोला, यानी कि अगर कोई भी N1 इक्वल टू 1 पर आए और N2 कुछ भी हो 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फानाइट, तो सभी कलेक्शन को, इन सबकी कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम, लाइमन सीरीज। जो भी रेडिएशन उनकी कलेक्शन को क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। और आपको जान के थोड़ा सा अलग लगेगा, ये सारे अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में आते हैं, किस में आते हैं, अल्ट्रा वॉयलेट, मतलब कि हम इसको देख नहीं सकते, देख पा रहे हैं अल्ट्रा वॉयलेट को नहीं, तो ये दिखाई नहीं देते पर ऐसा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी वन पर आए तो अल्ट्रा वॉयलेट होगा और नाम क्या होगा, लाइमन सीरीज। अच्छा इसके लिए फॉर्मूला क्या दिया गया, तो रेडबर्ग फॉर्मूला होता है 1/λ = 1096771 1/N1² - 1/N2² और यहाँ पर जेड स्क्वायर होता है आई थिंक, ठीक है, जेड स्क्वायर हम जल्दी लिखते नहीं है, देखो किसी को याद क्यों नहीं रहता ये, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन के लिए जेड क्या होता है, 1, तो यहाँ पर 1 होता है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1। मैंने इसको लिख दिया, मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा, ठीक है ना, तो ये जेड स्क्वायर होता है यहाँ पर, ध्यान रखना। अब इस फॉर्मूले से इसने पुट किया, इसने क्या किया, इसने N1 को कितना पुट कर दिया, लाइमन ने N1 को पुट कर दिया 1, कितना पुट कर दिया, N1 को 1 पुट कर दिया। अब N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, तो कुछ भी पुट करते गए ठीक है, तो हमें कुछ वैल्यूज मिला, क्या मिला, और वो सारी की सारी वैल्यू किसके अंदर की थी, अल्ट्रा वॉयलेट की, किसकी थी, क्या बात समझ में आ गया, यानी कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है बस, कि कहीं से भी 1 पर आए लाइमन, कहीं से भी 1 पर आए लाइमन, कैसा होगा वो, अल्ट्रा वॉयलेट, बात खत्म। दूसरा क्या, दूसरा साइंटिस्ट आया बाल्मर ने क्या देखा कि भाई, अब बाल्मर ने 2 को अपना बेस माना, क्या माना, बेस, उसने बोला अगर 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, इन्फाइनाइट से, कहीं से भी आए, तो मैं उसको बोलूँगा बाल्मर सीरीज, क्या बोलूँगा, बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी 2 पर आता है, कहीं से भी क्या है, पहला हो गया फिक्स 2, क्या हो गया 2, तो N2 कितना हो सकता है, 3, 4, 5। तो ऐसे हमारे पास एक और है, मैं लिख दे रहा हूँ, एक है पाशन, क्या है, पाशन, ठीक है। तो लाइमन पहला आया, फिर कौन आया, बाल्मर। लाइमन ने क्या बोला, कहीं से भी 1 पर आए, इसने बोला कहीं से भी 2 पर आए, कहीं से भी 3 पर आए, लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट, इसने बोला कहीं से भी 4 पर आए, और अगला आया पी फंड कहीं से भी कहां पर आए, 5 पर, यानी इसने बोला 2 से 3 से 4 से आए, इसने बोला 3 से आए 4 से आए 5 से आए, इसने बोला 4, 5, 6 से आ सकता है, चलता रहेगा ऐसे, इसने बोला 5 से आए 6 से आए 7 से आए, कहीं से भी आए, इसने बोला 6, 7, 8 कहीं से भी आए। तो अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन 1 पर आए बोलेंगे लाइमन सीरीज, कहीं पर भी 2 पर आए बाल्मर सीरीज, कहीं से भी 3 पर आए, कहीं से भी 4 पर आए ब्रैकेट, कहीं से भी 5 पर आए पी फंड सीरीज। अच्छा ये होता है अल्ट्रा वॉयलेट, कैसा होता है, ये होता है विजिबल, क्या होता है, यानी बाल्मर में आपको कौन से कलर दिखाई देंगे, रेड ब्लू ग्रीन, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन, सुनो, जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी 2 पर आता है ना, तो हमें कलर दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, तो रेड कलर दिखाई देगा, ब्लू दिखाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कलर छोड़ रहा है ना, एनर्जी छोड़ रहा है,
तो आपको दिखाई देगा, क्या होगा, दिखाई देगा, क्या बात समझ में आ गई? तो बालमर वाला हमें दिखाई देता है, एक सेकंड अभी कॉल अटेंड करके बात करता हूँ मैं, क्या बात समझ में आ गई बेटा? देखो कहीं से भी चार प्राइस को क्या होगा, इंफ्रारेड, क्या होगा, जो तुम्हारे रिमोट से निकलता है, जो तुम्हारे फ़ोन से निकलता है, फ़ोन मतलब कैमरे, मतलब समझो ना उसके कैम, फ़ोन के अंदर से भी कहीं ना कहीं होता ही है, मतलब ये सारे किसके अंदर होते हैं, रिमोट के अंदर, एसी रिमोट के अंदर है ना, वो होता है इंफ्रारेड, क्या होता है। तो आप अगर इसका वेवलेंथ निकालना हो हाइड्रोजन के लिए, तो 1/λ = 1096771/(n1²-1)/(n2²), क्या बात समझ में आ गया? तो इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर ना जेड का स्क्वायर होता है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए वन हो जाएगा, ठीक है? तो मैं समझ गया, अब एक दो क्वेश्चन इसमें मैं कराता हूँ ताकि आप समझ पाओ। देखो चलो क्वेश्चन मैं अभी करवाता हूँ, एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा, मैं लिखता हूँ इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम। मैं स्कैन नहीं किया मैंने इस वाले को, सुनो मेरे बच्चों ध्यान दो, जैसे मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन कराने से पहले कुछ प्रैक्टिस करा दूँ, ध्यान दो ध्यान दो। अगर आपसे बोलता हूँ वेव नंबर क्या बोलता है, तो वही तो होता है 1/λ, यानी वेव नंबर का भी फॉर्मूला ये बन गया 1/0967 ठीक है 7/(n1²-1)/(n2²), तो ये वेव नंबर का भी एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया। चलो अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई देखो फोर बालमर सीरीज, क्या लिखाएगा, फोर बालमर सीरीज, बालमर सीरीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो आता है फिफ्थ से, कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन आता है फिफ्थ से, तो कितना वेवलेंथ होगा, कितना, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/λ 1/0967 1/(n1²), n1 कितना हो गया बालमर के लिए, 2 2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, क्या बात समझ में आ गया। तो ऐसे इस्तेमाल करना, आ गया वेवलेंथ, क्वेश्चन बोलता है वेव नंबर निकालो, तो यही तो वेव नंबर है, यही वेव नंबर भी, अबे यही तो वेव नंबर है, बात ही समझे, यानी क्वेश्चन ऐसा बोलेगा फॉर पाशन सीरीज, क्या बोलेगा, पाशन सीरीज इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम सिक्स, तो पाशन के लिए एक तो फिक्स हो गया 3, दूसरा क्या होगा 6, तो आंसर आ जाएगा। अच्छा आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद कर लो, सुनो, जब भी आपसे बोलता है लॉन्गेस्ट, क्या बोलता है, जब भी आपसे बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जब भी आपसे बोलता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्या बोलता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो n2 हो जाता है इनफाइनाइट, n2 क्या हो जाएगा, जब भी बोले लॉन्गेस्ट वेवलेंथ n2 हो जाएगा इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा। अगर जब भी बोले शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जब भी बोले शॉर्टेस्ट, शोर मत करो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो समझ जाओ जो n2 होगा ना, n2 वो होगा n1+1, क्या होगा, n1+1। जब भी क्वेश्चन में बोल दे कि भाई वेवलेंथ सबसे लंबा है, वेवलेंथ क्या है, तो n2 को लेना है इनफाइनाइट, और बोले वेवलेंथ छोटा है क्या है, तो आपको n2 क्या लेना है, n1+1। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ एक एनसीईआरटी का, फिर हम बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ मैं, मेरे बात सुनो बेटा, क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेव नंबर, क्या बोला इसने, वेव नंबर मतलब 1/λ, 1/λ निकालने को बोला है फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और लिखा है बालमर, क्या लिखा है, बालमर के लिए भाई n1 तो हो गया 2, कितना हो गया, n2 हो गया इनफाइनाइट, क्यों भाई, उसने बोल दिया लॉन्गेस्ट, क्या बोल दिया, लॉन्गेस्ट बोल दे या मैक्सिमम बोल दे, तो 1/λ निकालना है, 1/0967 1/(n1)(n1) मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, ये 0 हो जाता है खत्म, तो यही आंसर होगा इसका, वेव नंबर यही होता है, क्या होता है, अगर वेवलेंथ बोलता तो हम उल्टा करते, वेवलेंथ बोलता तो हम इसको उल्टा करते। अब एक अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का, वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है मेरे बच्चों, सुनो, सेम क्वेश्चन है, ध्यान दो, सेम क्वेश्चन है, पर यहाँ लिख दिया मैंने शॉर्टेस्ट, क्या लिख दिया मैंने, यानी n2 क्या लेना है, n1+1 का मतलब क्या हो गया, 2+1 3, कितना आ गया 3, तो 1/2² - 1/3², तो ये आंसर आ गया, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक और इंपॉर्टेंट करवाऊंगा मैं आपको, ध्यान दो, सुनो, लिखा है व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बालमर ट्रांजिशन n=4 2 n=2 2 ऑफ हीलियम प्लस, क्या बोला इसने, मतलब कुल मिला के ये बोल रहा है कि आपका वेवलेंथ क्या होना चाहिए, सेम वेवलेंथ क्या होना चाहिए, सेम, एक बार हाइड्रोजन है और एक बार क्या है, हीलियम, क्या है, और सीरीज कौन सी है, बालमर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/λ = 1/0967 1/(n1), बालमर के लिए n क्या होता है, फिक्स होगा ना, 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है,
चलो अभी समझना, इसने बोला हाइड्रोजन, क्या बोला इसने? वर्ड ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बाकी हमें नहीं पता, तो हमें ना N1 पता है ना N2 पता है, बात समझ पा रहे हो? लिख दो यहाँ पर N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, मैंने ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर Z का स्क्वायर होता है, क्या होता है? Z का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन। आप क्या कह रहा है कि भाई हीलियम प्लस जो है ना हीलियम प्लस, उसके लिए क्या होगा? 1 by lambda = 1096771 / 2² - 1/4² बात समझ में आ गया। और यहाँ पर एक और आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जेड स्क्वायर, और ये हीलियम के लिए लिख रहे हैं, किसे लिख रहे हैं? हीलियम, हीलियम के लिए जेड कितना होता है? 2 का स्क्वायर। बिल्कुल चुप हो जाओ। अब कह रहा है कि भाई वेवलेंथ को सेम कर दो, वेवलेंथ को लिखा है वर्ड ट्रांजिशन का मतलब होता है कहाँ से कहाँ, N1 एंड N2 निकालना था, जो हमें पता नहीं है। पर वेवलेंथ को अगर सेम करने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर दोनों के बीच में इक्वल रखना है, क्या रखना है? इक्वल, यानी मैं इक्वल रख रहा हूँ इसको और इसको, इक्वल रखने का मतलब क्या है? 1096771 / N1² - 1/2² = 1096771 / 4 / 16। और यहाँ पर चार बाहर है, चार को अंदर लिख रहा हूँ, अंदर, समझे नहीं मेरी बात को? ताकि हो जाए 2 और ये कितना हो जाए 4, बात समझ पा रहे हो? तो आप इसको इक्वल करना, क्या करना था हमें? इक्वल, तो इक्वल कर दिया, इससे पूरा कट जाएगा, कट गया पूरा इससे, तो 1 by N1² - 1 by N2² आ गया 1 by 2 - 1 by 4 तो इससे क्या समझ में आता है बताओ? ये सही है ना? नहीं, 4 से 4 कटेगा, यहाँ 1 आएगा, क्या आएगा? हाँ वही मैंने गलती कर दी, 1 आएगा, ठीक है। देखो 2 का स्क्वायर कट जाएगा अंदर जाने पे। तो देखो यहाँ से क्या पता लगा कि N1 जो है 1 के बराबर है, N1 किसके बराबर है और N2² किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो N2 कितना हो गया? N2 हो गया हमारे पास 2, यानी कि यहाँ पर N1 कितना आ गया 2 और N2 कितना आ गया 2। यही हमें निकालना था कि भाई हाइड्रोजन में कहाँ से कहाँ जाए N1 N2 बताओ, और हीलियम में कहाँ से कहाँ जाए 2 से 4 या 4 से 2, ताकि वेवलेंथ सेम हो जाए। तो वेवलेंथ को सेम किया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम्हारे पास यही ऑप्शन है कि तुम इसे सीख लो या रट लो, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। और मैंने सिखा दिया, उसने बोला कि वेवलेंथ सेम होना चाहिए, सेम कर दिया, काट दिया, आंसर आ गया, कोई बड़ी बात थोड़ी थी इसके अंदर। फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, अब हमें आगे बढ़ना है इस कॉन्सेप्ट के बाद, बोर्स के बाद हमें पढ़ना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉय साहब ने क्या बोला, डी ब्रॉय नाम है इनका, डी ब्रॉगली भी बोलते हैं प्यार से, डी ब्रॉय भी बोलते हैं, ठीक है। तो डी ब्रॉगली साहब ने क्या बोला, उन्होंने बोला देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, वेवलेंथ का फॉर्मूला आता है एच प्लैंक कॉन्स्टेंट, क्या ये प्लैंक कॉन्स्टेंट है, ये एम क्या है मास है, और वी क्या है बेटा वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक, डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, जिस भी चीज के पास मास हो क्या हो और वेलोसिटी हो क्या हो, उसके पास होगा वेवलेंथ, क्या होगा? तो डी ब्रॉगली क्या कहता है, विथ अ मूविंग बॉडी, विथ अ देर इज ऑलवेज अ वेवलेंथ एसोसिएटेड, देर इज ऑलवेज अ वेवलेंथ, मूविंग बॉडी के साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। लेकिन जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसको बोल रहा हूँ मैक्रोस्कोपिक, क्या बोल रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक का वेवलेंथ इतना कम आएगा, इतना कम आएगा, जैसे मेरी वेवलेंथ इतनी कम आती है कि मुझमें वेव जैसा फील नहीं आता, वेव जैसा फील नहीं आता, बात समझ पा रहे हो? और मेरी वेलोसिटी भी कम होती है, बात समझ, मतलब अगर मेरे मास को अगर आप लेते हो ना, तो मास मेरा इतना ज़्यादा, एक तरह से वो हो गया ना, ज़्यादा हो गया है कि आपको वेवलेंथ ऐसा नहीं लगेगा कि मैं वेव बन गया, क्या बन गया? वेव। चाबी है मेरे पास, ठीक है। तो बात तो समझ पा रहे हो, कुल मिला के क्या बात चल रही है कि भाई किसके लिए वैलिड है ये फॉर्मूले? तो माइक्रो के लिए, किसके लिए? लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए। मैक्रो के लिए वैलिड और ये क्वेश्चन आएगा, समझ में आया? ये क्वेश्चन आएगा। तो आप बोलना भाई जो बड़े ऑब्जेक्ट है ना, उनके लिए हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ऑब्जर्व नेग्लिजिबल वैल्यू आता है, नेग्लिजिबल, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। अच्छा अब मेरी छोटी सी बात समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डी ब्रॉगली साहब ने क्या बोला कि हमेशा वेवलेंथ होगा, हमेशा वेवलेंथ होगा मूविंग बॉडी के साथ, यही इसकी स्टेटमेंट है, यही इसकी एच क्या होता है प्लैंक कॉन्स्टेंट, एम क्या है मास, वी क्या है वेलोसिटी। और इसकी स्टेटमेंट आप घर से कर लोगे, कहीं ना कहीं से कर लोगे स्टेटमेंट, मैं इसके आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैंने बोल दिया, वीडियो देख के आप रोक के लिख भी सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। आप आगे देखो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं समझना, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल, मास इतना है वेलोसिटी इतना है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था याद करो, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा, क्या होता है लैम्डा, एच वाई एम वी,
एच कितना है 6.626 10 की पावर माइनस 34, मास कितना है 0.1 kg, और वेवलेंथ वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड। आ गया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन इजीली क्रैक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का 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 आगे बढ़े, ठीक है। अरे आगे बढ़ जाए यार, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात को समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मान के चलो आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया है, ऑलमोस्ट जितने भी फाइनल एग्जाम हुए हैं इस बार भी चांस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे करना लिखा है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी इतना, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, कैलकुलेट इट्स। तो आप बोलोगे वेवलेंथ होता है एच अपॉन एम, कितना है मेरा 10 की पावर माइनस 31, और वहां पर चाहिए वेलोसिटी। एच की वैल्यू पता है 6.626 10 की पावर माइनस 34, मुझे वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए वेलोसिटी के लिए, उसने दिया काइनेटिक एनर्जी। लगाओ फिजिक्स, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब यहां से क्या निकालोगे वेलोसिटी, मास पता है डिवाइड करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 812 मीटर पर सेकेंड। ये इतना फेमस क्वेश्चन है कि मेरे को आंसर तक याद है, आपको भी याद होना चाहिए। तो आप क्या करोगे यहाँ पर 812 पुट कर दोगे। आप बोलोगे सर आपको तो याद है, मुझे कैसे याद होगा, तेरे को याद हो गया ना, अभी हो गया ना याद। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, देखिए यहाँ से वी को सॉल्व कर ले, अगर तेरे को 812 याद नहीं करना सॉल्व कर ले, पुट कर दियो। जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस वाले टॉपिक से यही वाला आया है, किसी ने किसी के एग्जाम में आया भी होगा, यही क्वेश्चन आता है डिक्टो, बिना चेंज किए कुछ भी, कि इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है भाई, बताओ उसका वेवलेंथ क्या बताओ। तो ऐसी वेलोसिटी निकालना है काइनेटिक एनर्जी से, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस चैप्टर में दो टॉपिक है, जिसमें लास्ट अभी मैं करवा रहा हूँ और एक और अभी मैं करवाऊंगा, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये किसकी प्रिंसिपल है, ये है हिंजबर्ग, ठीक है, हिंजबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्पेलिंग तेल लगाए, प्रोनंसिएशन भी तेल लगाए, हम काम की बात करेंगे। ध्यान दो ध्यान दो, इसने क्या बोला, इसने बोला भाई देखो अगर कोई मूविंग बॉडी, अगर कोई मूविंग बॉडी है तो तुम उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी पता नहीं कर सकते। या तो तुम वेलोसिटी पता कर लो या तो पोजीशन पता कर लो। अगर वो मूव कर रहा है तो एक साथ दोनों को कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैंने कहा बता मेरी पोजीशन क्या है, ले बता क्या है पोजीशन मेरी, तो बोलेगा रुक तो जा भाई, रुक तो जा, यही तो अभी तो पोजीशन बता पाएगा। मैं बोलूँ कि मेरी वेलोसिटी बता तो भी नहीं बता सकता, तेरे को एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए, एग्जैक्ट टाइम चाहिए। क्या बात समझ पा रहे हो, किसी भी मूविंग बॉडी के लिए साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, किसी भी मूविंग बॉडी के लिए साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ उसका हम पोजीशन और वेलोसिटी का पता नहीं लगा सकते। यही है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिखने के लिए आएगा एग्जाम में, लिख देना फॉर्मूला क्या निकल के आता है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इजिकल टू एच बाई फोर पाई इजिकल टू एच बाई फोर पाई, यहाँ पर होता है ये होता है क्या अनसर्टेनिटी, क्या होता है ये इन पोजिशन, मतलब अच्छा ये पता क्या मतलब होता है, सर्टन नहीं है, फिक्स नहीं है, अनसर्टन मतलब गलतियाँ, मतलब उसमें गलतियाँ होगी फिक्स नहीं होगी वो। सर्टन का मतलब क्या था, सर्टन बिल्कुल सर्टन है फिक्स है, अनसर्टन मतलब गलतियाँ। तो बात समझ में आ गया, और ये कहलाता है डेल्टा वी, यानी कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। क्या बात समझ में आ गया, जिसको समझ नहीं आया वो वीडियो पॉज करो लिख लो, ये अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये एच बाई फोर पाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और प्रिंसिपल मैंने बता दिया एक साथ वी कांट कैलकुलेट मोमेंटम एंड वेलोसिटी। देखो मास वेलोसिटी इसका मतलब क्या, मोमेंटम ही तो हो गया, वेलोसिटी मतलब क्या हो गया मोमेंटम। क्या बात समझ में आ गया, एक साथ पोजीशन एंड मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम इसके ऊपर फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या, ये तो कर लिया हमने, अच्छा ये क्वेश्चन है, पहले इसको निपटाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन उस वेवलेंथ दे रखा, देखो है वेवलेंथ दिया है लैम्डा इज इक्वल टू एच वाई एम बी, लैम्डा इज इक्वल टू एच वाई एम बी, और मास पूछा, क्या पूछा है, तो मास कितना हो गया एच वाई वेवलेंथ इन टू वेलोसिटी। एच पता है 6.626 10 की पावर माइनस 34 है ना, वेवलेंथ पता है वेवलेंथ इतना है 3.6 10 की पावर माइनस 10, और वेलोसिटी कितना हो गया, वेलोसिटी हो गया आपका 3 × 10⁸। अरे लाइट की वेलोसिटी तो पता होती है हमें, खत्म हो गया क्वेश्चन, अरे वेलोसिटी तो यार बताया था अभी, ये खत्म हो गया। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन देखो, ये क्या है, क्वेश्चन कहता है भाई, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, पढ़ के देखो, छुट्टी की मत सोचो, एक बार खत्म कर लेते हैं। लिखा है अ माइक्रोस्कोपिक, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज कम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन टू एन एटम विद इन अ डिस्टेंस इतना, यानी ये डेल्टा एक्स है, क्या ये डेल्टा एक्स है 0.1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि डेल्टा एक्स है, क्या ये पूछा है ना, देखो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछा है, डेल्टा भी पूछा है, क्या पूछा है, तो आपको पता ना फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई फोर पाई, एच बाई फोर पाई पूछा क्या उसने, डेल्टा वी क्या पूछा है, डेल्टा एक्स दिया है, मास पता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास पता होता है, तो यहाँ से डेल्टा वी कैसे निकलेगा सोचो, डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई फोर पाई, नीचे एम आ जाएगा एम, और नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स भी आ जाएगा, अरे मुझे सिर्फ डेल्टा वी चाहिए, तो डेल्टा एक्स यहाँ कितना हो गया 0.110 की पावर माइनस 10, तो डेल्टा एक्स मुझे पता है, डेल्टा एक्स मुझे पता है, एच मुझे पता है, फोर पता है, पाई पता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही होता है, वरना एग्जाम में दिया होगा, ये होता है 9.110 की पावर, सॉरी फोटोन है ना, क्या ये फोटोन है, फोटोन, ठीक है, तो एग्जाम में आपको इसका मास दिया होगा, ठीक है बेटा, इसका मास दिया होगा आपको, क्या बोला मैंने, मास दिया होगा, बाकी आपकी मर्जी है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लिख के ले लो, इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान दो, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा ही आएगा, ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इस चैप्टर से कुछ आए ना आए, एक आएगा 812 वाला, कौन सा वाला, और एक ये वाला, ठीक है, आप समझना ये क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्फ बॉल हैज अ मास 40 ग्राम, मास कितना है 40 ग्राम, और स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितना है 45 मीटर पर सेकेंड, कह रहा है कैन बी मेजर्ड विद इन अ एक्यूरेसी ऑफ 2%, यानी जो इसका स्पीड होगा, स्पीड डेल्टा वी वो है 2% ऑफ 45, यही तो है, कह रहा है जो इसका स्पीड में गलतियां होने का चांस है, या एक्यूरेट होने का विद इन द एक्यूरेसी, यानी इतने एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब 2% का मतलब क्या होगा, इनिशियल का 2% ना, स्पीड है 45, अब एक्यूरेसी कितना बोल रहा है 2% ना, तो कितना आंसर आ गया बताओ, 2/100 डिवाइड करेंगे 45 × 2/100, क्या बात समझ में आ गया, 45 × 2/100, तो डेल्टा वी निकल गया, अब पूछ रहा है डेल्टा एक्स, क्या पूछ रहा है वो डेल्टा एक्स, तो फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करोगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इंटू एम इज इक्वल टू एच वाई फोर पाई, मेरे को देखो डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा वी पता लग गया, ठीक है, एम पता लग गया, एच पता है, फोर पाई पता है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फटाफट इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली बेटा रिवीजन में सुनो, रिवीजन में इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर है हम, अब हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम थोड़ी एडवांस फिजिक्स होती है, या एडवांस केमिस्ट्री बोल दो, इसके अंदर ना हम ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान दो इधर, बंद करो से फ़ोन, ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहा, अब वो ऑर्बिट्स में मूव करता है, किसमें मूव करता है, ऑर्बिट्स में, यानी कि आपको अब घर से होमवर्क में क्या करना है बता रहा हूँ, अभी बंद नहीं मत करना, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फिर आपको क्या सीखना है, सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सारे प्रिंसिपल कौन कौन से, एन एल एम एल और स्पिन क्वांटम नंबर, ये तो भाई प्लस हाफ होगा और प्लस माइनस हाफ होता है, ठीक है, एम एल क्या होता है पता है किसी को, माइनस एल टू प्लस एल, एल क्या होता है 0 to n-1, और n क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आप छोटी छोटी बात समझना, देखो ध्यान दो, ध्यान दो, अभी ये सारे प्रिंसिपल, ये सारे क्वांटम नंबर थे, क्या थे क्वांटम नंबर, होते क्या है, ऐसे नंबर जिनकी हेल्प से हम एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, एटम्स के अंदर जो उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, अब मेरी बात को समझो, क्वेश्चन कैसा आता है, देखो एल कभी 0 आए 1 आए 2 आए 3 आए, समझना इसका मतलब क्या आता है, एल 0 आने का मतलब है कि एस नाम का ऑर्बिटल है, एस नाम का पी, ठीक है, मतलब डी और ये एफ, क्या हो गया एफ, अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन देखो, लिखा होगा n=1, तो l क्या होगा, l होता है 0 से n-1, तो l कितना होगा 0 टू
वन माइनस वन एन माइनस वन ना, तो आंसर कितना आ गया जीरो, कितना आ गया, यानी कि अगर एन वन हुआ और एल कितना है जीरो, और जीरो का मतलब सर ने क्या बताया एस, क्या बताया एस, इसका मतलब क्या है जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा वन एस, क्या बनेगा वन और एस, वन और एस। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसा दूं कुछ, मैंने कहा एन इक्वल टू टू है, क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया एन इक्वल टू टू, इसका क्या मतलब है एल क्या क्या हो गया बताओ, एल हो गया आपका जीरो टू टू माइनस वन, जीरो टू टू माइनस वन यानी क्या क्या हो गया एल बताओ, जीरो हो गया वन हो गया, जीरो हो गया और वन हो गया, इसका मतलब क्या होता है एस, इसका मतलब क्या होता है पी, यानी क्या क्या आंसर पॉसिबल है, टू का मतलब हो गया टू एस भी पॉसिबल है और टू पी भी पॉसिबल, बात समझ में आ गया। तो एन इक्वल टू थ्री से क्या समझोगे आप, ध्यान दो क्वेश्चन आ गया एन इक्वल टू थ्री, क्या आ गया एन इक्वल टू थ्री, तो आप समझोगे एल क्या क्या होगा जीरो वन टू एक कम तक, एक कम तक यानी एस पी डी, यानी क्या क्या पॉसिबल है, थ्री है ना थ्री, थ्री एस पॉसिबल है, थ्री पी पॉसिबल है, थ्री डी पॉसिबल है, क्या बात समझ में आ गया। अच्छा एक छोटी सी बात याद कर लो, छोटी सी बात याद कर लो लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं इसको अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ टाइम की कमी के कारण, नए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसको एक बार और देखेंगे हम लास्ट में, ठीक है। अभी सुन लो जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बताओ कौन सा एनर्जी सही है, कौन सा एनर्जी मतलब कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है, तो जिसका एन प्लस एल, क्या बोल रहा हूँ मैं, जिसका एन प्लस एल ज़्यादा, जिसका एन प्लस एल ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी ज़्यादा, उसकी एनर्जी क्या होगी ज़्यादा। अगर सुन लो लास्ट, अगर किसी का n प्लस एल सेम है, n प्लस एल सेम है तो एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसका n ज़्यादा, n ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी क्या होगी ज़्यादा। अब देखो पैक मत करो, सुनो एक क्वेश्चन सीख के जाओ, ये आएगा क्वेश्चन, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं करवा रहा हूँ, ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, सुनो मैं लिखा 3n, क्या लिखा, ओ 3s, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, मैं लिखा 3s, क्या लिखा, और एक बार लिख दिया मैंने 3p लिख दिया, क्या लिख दिया, और पूछा मैंने किसका एनर्जी ज़्यादा, किसका एनर्जी, तो आप n प्लस एल देखोगे, n प्लस, अब n प्लस एल देखो, इसका n तो है 3, n कितना है इसका 3, s है 0, s कितना है 0, तो आंसर आया 3, इसका n कितना है 3, और p के लिए कितना होता है 1, तो कितना आंसर आ गया 4, तो इसकी एनर्जी क्या है ज़्यादा। लेकिन बाई चांस ऐसा आ जाए 3p, क्या आ गया 3p, और यहाँ 4s आ जाए 4s, अब किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसका n निकाल, n प्लस एल निकालो, 3 प्लस 1 4, यहाँ निकालो 4 प्लस 0, s क्या मतलब है 0, तो इसका आंसर भी कितना आया 4, इसका आंसर भी 4, इसका आंसर भी 4, तो किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसका जिसका n ज़्यादा हो तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, क्या बात समझ में आ गई। तो अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लो बेटा, ये वाला पक्का पढ़ लेना, अगर कुछ रह गया तो मुझे बताओ मैं करवा दूंगा, वरना अगली बार मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। इन्जॉय योर डे, छुट्टी।